हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। फ्रेंड, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए जीके जीएस के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ला रहा हूं फ्रेंड, तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं फ्रेंड। इससे पहले मैंने जीके जीएस के बहुत सारे पार्ट अपलोड किए हैं, तो फ्रेंड आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे। और जनरल साइंस और करंट अफेयर के भी मैं इससे रिलेटेड ऐसे ही वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 5 मिनट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड। तो शुरू करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आप मेरा नाम निवेदन है कि मेरे मेहनत का फल फ्रेंड आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बटन है, तो फ्रेंड एक बार जरूर दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं। सिम्पाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिम्पाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। दिल्ली संतलत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली संतलत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के बिहार में है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा है? तो जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, समवर्ती सूची में रखा गया है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज अडवाणी का संबंध स्कूनर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो वैज्ञानिक गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ था फ्रेंड। गैलीलियो नासिक किस नदी तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कहा जाता है फ्रेंड, भविष्य का ईंधन। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा है मकाओ की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कपास उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है कपास उत्पादन में। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका के घास के मैदान को जाना जाता है पटाना से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे किस देश का निवासी था? फैराडे इंग्लैंड का निवासी, फैराडे वैज्ञानिक था फ्रेंड, इंग्लैंड का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समुद्री जलयान का चाल मापन किस इकाई में होता है? तो नॉक्टिक मील में मापा जाता है समुद्री जलयान, नॉक्टिक मील पर घंटा के हिसाब से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वाटर पोलो में खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय आते हैं? तो संघ सूची में कुल 100 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी एक्सरे की खोज। आर्किमिडीज किस देश का मूल निवासी था? तो आर्किमिडीज था ग्रीस का मूल निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा अभी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोगों को मालूम होगा। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? बहुत बार पूछा जाता है वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, तीन प्रकार से होता है, ये देख लीजिएगा फ्रेंड एक बार। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो वो होता है माइक्रोकोनोडिया में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उज्जैन शहर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है। पोंग बांध किस नदी तट पर है, किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध स्थित है आपको फ्रेंड व्यास नदी पर।
पोंग बांध व्यास नदी पर है। बुलंद दरवाजा भारत में, बुलंद दरवाजा का निर्माण भारत में किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन, ऊँट को कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप कहाँ होता है? तो प्रथम प्रोटीन का पाचन होता है आपको फ्रेंड छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अब भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? तो वो होता है सुगर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दूध का रंग पीला किस कारण होता है? तो दूध का रंग पीला केरोटीन के कारण होता है। रक्षा किस सूची में आती है? तो रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आती है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुंभ स्थल उज्जैन के किस राज्य में है? तो जाहिर सी बात है उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो कुंभ भी स्थल उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। तो ये थे फ्रेंड इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और मैं ऐसे सीरीज जीके जीएस और करंट अफेयर्स के भी और जनरल साइंस के भी लाता रहता हूँ फ्रेंड। तो आप चाहें तो मेरे जाके एक बार जरूर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं वीडियो कितने सारे अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड, तो आप ज़रूर एक बार देखें। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप कर पाइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, एक बार लाइक जरूर करके बताएं। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो फ्रेंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड मेरे प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, जय हिंद।